सो हे गाइस, व्हाट्स अप, बैक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, आपको भी मजा मिलेगा, हमें भी मजा आएगा, क्योंकि भाई आज के वीडियो में आज हम लोग जहां जा रहे हैं उनके नाम में ही माँ दुर्गा का नाम है, यानी आज हम लोग जा रहे हैं दुर्गापुर। वो तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो दुर्गापुर में भाई दुर्गा पूजा का पंडाल हर साल ही कमाल का बनता है, जबरदस्त बनता है। तो इस साल कहां क्या बन रहा है, टॉप के सारे पंडाल्स क्या है, तो हम लोग आपको सारे पंडाल्स का वॉक अराउंड दिखाएंगे, क्या उनका थीम रहेगा, क्या उनका लोकेशन रहेगा, सब कुछ। और जो आपको वीडियो में नहीं मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी एक नजर मार लीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहला पंडाल जो हम लोग आए हैं वो है, आए हैं हम लोग भिरिंगी में, भिरिंगी दुर्गा पूजा मंडप में। ये हाईवे के बिल्कुल ही बगल में पड़ता है, और जो भी पंडाल हम आपको दिखाएंगे, जिस सीरियल वाइज दिखाएंगे उसी सीरियल वाइज आप लोग भी जाइएगा, जिससे आप लोग को बहुत ही ज्यादा आसानी होगा दुर्गा पूजा में घूमने के लिए दुर्गापुर में। और भाइयों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो बताओ हम लोग अभी हैं कहाँ पे? तुम नहीं बोल पाओगे, छोड़ दो, हटाओ, नहीं होगा तुमसे, नहीं बोल पाओगे। तो चलो हम बता देते हैं, अभी हम लोग हैं दुर्गापुर के भिरिंगी में। भिरिंगी मतलब का पहला पंडाल है, और भिरिंगी हर साल कमाल करता है। आप कभी भी इस ब्रिज से क्रॉस करते होगे दुर्गा पूजा के टाइम, तो आपको पता होगा क्या चीज है भिरिंगी और किस तरह का मेला तक यहाँ लगता है। तो भिरिंगी में इस साल बनने वाला है शीश महल, और बाहर में बंगलो बनेगा, ठीक है, एक पुराना टाइप का बंगलो बनेगा, और अंदर में बनेगा शीश महल, जो कि बहुत ही बढ़िया लगने वाला है देखने में। तो देखते हैं किस साल कैसा बनाते हैं, और बढ़िया ही बनेगा, हमको पता है कि भिरिंगी अपना नाम ही ऐसा बना के रखा है। भिरिंगी में आप देख सकते हो डेकोरेशन का काम चल रहा है, और साथ में हमारे भैया। तो भैया क्या नाम है आपका? और भैया इस बार क्या बन रहा है भिरिंगी में? इस बार अंदर हो रहा है शीश महल। शीश महल बन रहा है, बहुत बाहर, कब तक? बाहर हो रहा है एक पुराना महल वाला, बाहर पुराना महल दिखेगा और अंदर शीश महल दिखेगा, बहुत ही बढ़िया। और कब तक कम्प्लीट हो जाएगा ये? तो पूजा के 10 दिन पहले कम्प्लीट। पूजा के 10 दिन पहले ही? थैंक यू भैया। तो गाइस, पूरा स्ट्रक्चर को यहाँ पे ढक कर रखा गया है कि पानी में भींगे नहीं, खराब नहीं हो, क्योंकि भाई हम लोग आ चुके हैं अग्रणी में, और अग्रणी में इस बार बहुत ही तगड़ा पंडाल बन रहा है, क्योंकि इस बार बन रहा है राजस्थान का हवा महल। बहुत ही बड़ा पंडाल है, इसीलिए इसे जगह को चेंज किया गया है, और जगह को चेंज करके यहाँ पे इस बार पंडाल बन रहा है बेनाचीटी के हाई स्कूल में, और भाई बहुत ही मस्त बनेगा हवा महल। भाई राजस्थान का शौक हम लोग का पूरा हो जाएगा इस बार दुर्गापुर में। तो अग्रणी मस्ट टू मस्ट आइएगा, फिर हम आपको चलिए दिखाते हैं अंदर, क्योंकि अंदर बहुत सारा काम आपका यहाँ पे चल रहा है। जस्ट बगल में, और ये हर साल कम बजट में, कम एरिया में इतना अच्छा अच्छा पंडाल बनाता है कि अगर आप अग्रणी आ रहे हो तो यहाँ नहीं आए तो आप बहुत ही बड़ा मिस कर दोगे। तो करिएगा यहाँ पे, बहुत ही प्यारा बनेगा, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जब काम और भी ज्यादा बढ़ेगा, पूरा होगा, तब ज्यादा कितना खूबसूरत लगता है वो देखने में मजा आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पंडाल की।
सो गाइस अब हम लोग जो आपको नेक्स्ट पंडाल लेके आए हैं ये है चतुरंगा में। और चतुरंगा भाई आपको भी पता है सिटी सेंटर से बहुत ही ज़्यादा करीब है, और चतुरंगा का जो स्पेस है उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पंडाल बनते हैं। अभी ये सामने में आप देख रहे हो गणेश पूजा का पंडाल बना हुआ है, ठीक है। और गणेश पूजा का ये जो पंडाल है इसके ठीक पीछे में काम चालू हो चुका है हमारा दुर्गा पूजा के पंडाल का। तो ये देख सकते हो ये हमारा बन रहा है दुर्गा पूजा का पंडाल। तो गाइस अभी हम लोग हैं दुर्गा पूजा कमेटी कहाँ का, चतुरंगा का। चतुरंगा वन ऑफ द मोस्ट फेमस पंडाल बनता है दुर्गापुर में, और इस बार चतुरंगा इतना कमाल का मंदिर बना रहा है, नीलकंठ मंदिर बना रहा है भाई गुजरात का, जो कि देख सकते हो बहुत ही विशाल बनाया है। और इसका स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि भाई जो भी बना यहाँ पे डेकोरेशन के लिए कितना टाइम लेगा, कम से कम 3 हफ्ते ये लोग डेकोरेशन में लेने वाले हैं, क्योंकि लगभग इनका जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ चतुरंगा में अभी देखो गणेश पूजा का भी पंडाल बना हुआ है, तो जो लोग यहाँ पे अभी आ रहे हैं प्रिपरेशन देखने या थीम देखने, वो लोग यहाँ पे गणेश जी का गणपति बप्पा का भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसा क्या थीम हो रहा है, और आप लोग वीडियो को लाइक करो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। सो गाइस आप देख सकते हो चतुरंगा में है हम अभी, और जो बाउंड्री है भी बहुत ज़्यादा बड़ा है हम लोग का। इस बार नीलकंठ मंदिर बन रहा है गुजरात का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे देख सकते हो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है, और इसी के ऊपर जो हमारा डेकोरेशन होगा बाहर का वो प्लेस किया जाता है, प्लेसमेंट दिया जाएगा। और ये देखो स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर अपने में ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी यहाँ पे जितने भी मिस्त्री है बहुत ही तगड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई। अभी थोड़ा सा छांव हो गया क्योंकि पानी जैसा मौसम कर रहा है, वरना बहुत ही कड़ा धूप था। ये देखो पूरा प्लॉटिंग किया गया है कैसे कहाँ क्या बनेगा। बाकी ये देखो अंदर से भी स्ट्रक्चर देख लो एक बार आप, ये देखो हम लोग आ चुके हैं मार्कोनी में। मार्कोनी दुर्गापुर का वन ऑफ द बेस्ट दुर्गा पूजा का पंडाल बनाता है। इस साल 2024 में मार्कोनी क्या बना रहा है आपको पता है? मार्कोनी बना रहा है कर्नाटक का विष्णु मंदिर। जी हाँ भाई, वन ऑफ द बेस्ट थीम हो सकता था, इतना एरिया में ये इतना भीड़ कर देगा ना कि आप भी नहीं सोच पाओगे। अगर अभी तक आप मार्कोनी एक बार भी नहीं आए हो तब तो दौड़े भागे आ जाओ, और अगर आते हो तब तो जरूर आना है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि मार्कोनी में अभी क्या प्रिपरेशन चल रहा है। जय 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 शंकर स्तुति पर विष्णु के, जय 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 शंकर स्तुति पर विष्णु। गाइस आप देख सकते हो अभी हम लोग मार्कोनी में हैं। बाकी आप मार्कोनी देख सकते हो भाई, ये देखो प्लॉटिंग किया हुआ है यहाँ भी, और अंदर देखो अंदर में पूरा स्टेज टाइप का ये बन चुका है। मतलब हाँ भाई कंफर्म ये है कि मॉन्यूमेंट का ही पार्क है, मतलब ये ऊपर का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इसी लेवल पे होगा। ये देखो कुछ इस टाइप का बन रहा है, पूरा प्लाई का यूज़ हो रहा है, पूरा प्लाई का पूरा दीवार बन गया भाई, यहाँ पे आदमी रह सकता है घर बना के। अभी हम लोग हैं फुलजोर में। फुलजोर दुर्गा पूजा का वन ऑफ द बेस्ट पंडाल बनाता है भाई। मैं ये लाइन 2-3 बार बोल चुका हूँ, लेकिन भाई मैं जितने भी पंडाल दिखा रहा हूँ टॉप के पंडाल दिखा रहा हूँ, मैं छोटे छोटे पंडाल नहीं दिखा रहा हूँ। जो बाहर से आएंगे वो इन पंडालों को घूम सकते हैं। ये देखो बहुत ही बड़ा बना है, और इस बार जो इसका थीम है वो है डाकघर।
ठीक है, यानी पोस्ट ऑफिस है मेरे हिसाब से। अब देखिए आप क्या खूबसूरत बनाया जा रहा है भाई। जोड़ हर बार जहाँ बनता है भाई वहीं पे बना है, और ये देख सकते हो। चलिए आपको दिखाते हैं, अभी फिलहाल पूरा काम चल रहा है अंदर की ओर। स्ट्रक्चर लगभग यहाँ बाहर में रेडी हो चुका है, यहाँ पे इसको भी प्लॉट किया गया है। ये देखिए, ये आपका पोस्ट बॉक्स जो होता है, आपका लेटर बॉक्स, वो बना हुआ है। ये देखो कुछ इस टाइप का इतना काम हो रहा है। क्या नाम है, कब तक बना लीजिएगा? बाकी आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा फुल जोड़। अभी थोड़ा टाइम है बनने में भाई। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पंडाल की ओर, जो कि है सेक्टर 2C। और सेक्टर 2C के पास भाई पूरा एरिया भी है, और उनके पास थीम भी अच्छा है, बजट भी अच्छा है, और बनाते भी अच्छा है। तो गाइज अभी हम लोग सेक्टर 2C का, सेक्टर 2C भाई क्या बोलू आप, मतलब जितने पंडाल में जा रहा हूँ सब बवाल कर रहा है इस बार। मतलब देखो आप सेक्टर 2C को देखो, इसका देखो थीम मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जो बता पाए, ना मुझे पोस्टर मिला, लेकिन फिर भी मैं आपको थीम बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत ही ह्यूज बन रहा है पंडाल, स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि मजा आएगा। और इसका जो देखो पिलर लगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिलर से लगता है कि ये मतलब थोड़ा सा मॉन्यूमेंट टाइप का बनेगा और ज्यादा तगड़ा बनेगा। थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा इनोवेटिव बनेगा और थोड़ा सा क्रिएटिव बनेगा। इसका डेकोरेशन में ज्यादा मेहनत किया जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। सबसे बड़ा बात, एक तो एरिया भी ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा मेला वाला आपको अच्छा मजा आने वाला है, और आप अपने फैमिली के साथ आओगे तो अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करोगे। और भाई कैसा लग रहा है अभी तक जितने भी पंडाल देखे हो? जितने पंडाल हम लोग देखे हैं सभी बेस्ट है, सभी बेस्ट है, सभी बेस्ट है। मतलब हम लोग रेटिंग नहीं दे पाएंगे कि ये बढ़िया है कि ये खराब है, लेकिन सभी बेस्ट है यार। पहले बनने दो, फिर आओ रात को, ताकि ये सब चीज रात को ही पता चलता है कि कैसे लाइटिंग के पता चलता है कि कैसे लगेगा, देखो कैसा लगेगा। अभी तो पंडाल का अभी सिर्फ बांस दिखाना है आपको, इसे हम आपको थीम के साथ दिन में भरे। इतना कड़ा धूप में भाई इतना मेहनत करे तो एक कमेंट और लाइक बनता है एकदम यार। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और भाई को फुल्ली सपोर्ट करो, फुल फुल। अभी तुम लोग सपोर्ट करोगे तो आने वाले टाइम में तुमको और से ज्यादा तुमको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बेस्ट एकदम अच्छा वाला। तो उसके लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। রোনমি বরদা অজরা তুলা, রোনমি বরদা অজরা তুলা। तो गाइज अभी हम लोग है दुर्गापुर के सेंटोस स्पोर्ट्स क्लब में, और भाई सेंटोस स्पोर्ट्स क्लब ना हर साल ना पूरा धीमा स्टार्ट करता है, लेकिन आखिर के 15 दिन में जो टांगता है ना भाई उसका जवाब ही नहीं है। तो अभी आपको देखने में कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन इस साल यहाँ पे बन रहा है मयूर महल, और मयूर महल बन रहा है वहाँ पे देखो काम चल रहा है आपका क्लब के अंदर, यहाँ पे पूरा काम चल रहा है, थोड़ा रुई वगैरह का काम चल रहा है, लेकिन भाई मुझे भरोसा है कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनेगा। और चलो आप बताना आपके क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ से।
इस काम दो जगह चल रहा है, एक उधर भी चल रहा है, मतलब ये तो आपका महल है, मयूर महल है, लेकिन जो अंदर और डेकोरेशन का काम चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ भाई क्या खूबसूरत बनाया गया है, ये देखो। खूबसूरती के मामले में भाई मुझे एकदम यकीन है कि कमाल करेगा। ये देखो कितना कटआउट्स बनाया गया, ये देखिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार दुर्गा पूजा विजिट करने के लिए दुर्गापुर में। आप बताइएगा आप कितने एक्साइटेड हो। पहला यूट्यूबर होऊंगा मैं जो कि इस जगह से वीडियो मार रहा हूं, लेकिन भाई आपको भी पता है गोपाल मार्ट में जो पंडाल बनता है वो स्कूल के ग्राउंड में बनता है, और अभी स्कूल चल रहा है तो बच्चों की भीड़ देख लो, और अभी हम लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इसको भी पता है इस बार क्या बन रहा है, ग्लोबल विपसना पगोदा, ठीक है। ये एक बुद्धिज्म टेम्पल है जहाँ पे बोन्स रखे गए हैं लॉर्ड बुद्धा के, तो जरूर से जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि गोपाल मार्ट जो बनाता है भाई वो कोई नहीं बना सकता, और ये अंडाल दुर्गापुर में के रीजन में ही पड़ता है। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो साथ में, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, और साथ ही साथ फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जहां भी आप देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो, कर दो भाई।